जी नाजरीन, वेलकम बैक। इस वक्त दरियाए नीलम जो है यहाँ से सामने से गुजर रहा है और यहाँ पे एक फैमिली जो है ये इंजॉय कर रही है इस माहौल को पानी के अंदर बैठ के। नाम क्या बेटा आपका? उस्मान नासिर। उस्मान मियां, कहाँ से तशरीफ लाए आप? लाहौर। लाहौर से। तो पानी में बैठ के आप क्या तलाश कर रहे हैं? तलाश है कुछ नहीं, सुकून, पीस ऑफ माइंड। तो कैसा लगा यहाँ पे? पानी ठंडा तो नहीं? ज्यादा पानी ठंडा है, काफी ठंडा है। तो दुआने लेके क्यों नहीं आए साथ आप? तो बच्चे जो हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं या कहते हैं वापस चलो लाहौर? नहीं नहीं, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। नीलम की सबसे खूबसूरत और मजेदार चीज क्या लगी? सीनरी। खामोशी। 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 दरिया तो काफी शोर मचा रहा है। दरिया शोर मचा रहा है। जी बिल्कुल जी। आप, मैं चाहूँगा कि अपनी जो बाजी हैं, बहन है, जो भी हैं, इनके पास ये लेके जाएं और ये वहीं पे बैठे बैठे बताएं कि इनको कैसा लग रहा है। ये लेते इस वक्त ये पानी के अंदर चुके गुम हैं और पानी के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए इन तक रसाई हमारी मुश्किल है। दूसरे भाई हमारे पास आ रहे हैं। आप यहाँ पे इसमें ग्रामीण बस सब पूरा आपका क्या है और आप यहाँ क्या करते हैं? मैं ज़ोर रहमान अब्बासी है मेरा नाम, यहाँ पे टूरिज्म ऑफिसर हूँ। गुज़श्ता एक साल से मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है नीलम वैली में। अच्छा। और बस सीजन में हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा जो गेस्ट हैं लाहौर से, पिशावर से, कराची से, कहाँ कहाँ से आते हैं? यूँ तो सारे ही पाकिस्तान से आ रहे हैं, अभी इंटीरियर सिंध से भी टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो टूरिस्ट है नीलम वैली में एक साल पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें वो टूरिस्ट लाहौर का है। तकरीबन 70% लाहौर, स्पेशली लाहौर सिटी जो है इसका 70% टूरिस्ट। और लाहौरियों को हम जिंदा दिलाने लाहौर कह सकते हैं? बेशक, ये मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व किया कि जो लाहौरियों के बारे में मशहूर है कि वो जिंदा दिलाने लाहौर है। तो एक चीज़ और जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि लाहौर के ऐसे टूरिस्ट भी मुझे मिले कि उनको नीलम वैली के बारे में, तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स, हाइकिंग ट्रैक्स के बारे में इतना इल्म है कि जितना कि शायद लोकल बंदे को भी इतना इल्म नहीं होता। आप तशरीफ लाएंगे, आपका इसमें ग्रामीण भाई? अवैस। अवैस भाई, आप भी लाहौर से हैं? मैं लाहौर से। आपका बच्चा है? जी। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या? मोहम्मद शामिर। अरे बाबा, नाम तो बड़ा अच्छा। खाना नहीं थे बेटा, लॉलीपॉप नहीं है। अच्छा तो सुनाओ बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। सुबह नाश्ते में क्या खाया डांट के अलावा? क्या खाया? पराठा। पराठा खाया? अरे बाबा सुभान अल्लाह। बड़े होके क्या बनोगे? फौजी भाई। फौजी भाई, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी तो साहब, आप क्या करते हैं लाहौर में? मैं जनरल सर्जन हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आना, एक्सपीरियंस करना इस विजन प्लेस को, ये ऐसी जगह जो कि थोड़ी सी कम एक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड कह सकते हैं, कैसा लगा? हमारा आने का मकसद भी ये था क्योंकि यहाँ पे हम कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जाहिर है बहुत पुरसकून है और इतने हेक्टिक रूटीन से जब बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आ रहा है। तो पुरसकून जगह पे आप अपने सुकून को तलपट करने वाली फैमिली साथ लेके आए? नहीं नहीं, इन्हीं के साथ तो सुकून है। अच्छा, इन्हीं के एंजॉयमेंट के लिए आए। एक सिख था ना, वो होटल गया, उसने कहा जी यहाँ क्या क्या है? उन्होंने साहब फैसिलिटीज के बाद कहा कि हम यहाँ पे आपको घर का माहौल मिलेगा। उसने कहा मैं लानत भेजता हूँ। नहीं ऐसा नहीं। चल जी नाजरीन, यहाँ पे मैं चाहूँगा दोबारा मेरे जो प्रोग्राम मैनेजर हैं दिखाएंगे यहाँ पे मकबूजा कश्मीर एंड सामने ये मस्जिद, ये दरिया, ये खूनी लकीर। जब कोई देश मनाता है दिन अपनी आज़ादी का, दिल का दर्द सुलग उठता है, याद आए कश्मीर बहुत। आज के इस प्रोग्राम से जुनेद अंसारी अपने प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद अली हयात के साथ इजाज़त चाहता है। फिर वान अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।